ये बताइए कि सुना है घड़ी भी ले जाने की इजाजत नहीं परीक्षा में, घड़ी? हाँ, घड़ी के लिए लिखा हुआ है, बट ये बहुत गलत निर्णय है इनका। अच्छा ये बताइए, घड़ी से कोई नकल कैसे मारता है, कोई बताएगा मुझे घड़ी में कैसे नकल मारता? इलेक्ट्रॉनिक घड़ी मना करनी चाहिए। नहीं, माना उनके बाप का जो कहेंगे तक करेंगे क्या इस राज? देखिए जो कायर होता है ना वो गलत बात का विरोध नहीं करता है। ये सरकार बताए कि घड़ी से कैसे नकल मारेंगे, कैसे नकल? और ये सरकार मुझे बता दे कि ये नकल मारते हैं कि नहीं। ये साले अधिकारी नेता विदेश जाते हैं वहाँ नकल मारते हैं और वहाँ की सारी चीजों को ये साले लाके यहाँ लाते, कहते विकास कर रहे हैं। अरे विकास नकल मार के विकास होगा कि अपने दिमाग का यूज करने से विकास होगा? विकास कैसे होगा नकल भाई साहब? विकास नकल मारने से होगा कि दिमाग यूज करने से? दिमाग यूज करने से। तो बता दीजिए इस देश ने 2700 सालों में किस किया है? बताओ भाई, बताओ भाई, मोदी मोगी मुलायम मायावती और DMIS भोसड़ी, तुमने आज तक किस चीज का दिमाग यूज किया है? गाली सिखाने के अपराध में माधव चंद मुझको जेल भेजे थे भोसड़ी वाले, गाली सिखाने के अपराध में DM सुहास चलवाई जो मुझको जेल भेजा था करीब माधव चंद। बताइए कोई किसी को गाली सिखाएगा भाई साहब? क्या दुनिया में कोई किसी को गाली सिखा सकता है? बिल्कुल नहीं। गाली सिखाएगा? बिल्कुल। बोलिए, और इस देश की मीडिया ने कहा कि मैं बच्चों को गाली सिखाता हूँ? इस देश की मीडिया ने कहा कि मैं बच्चों को गाली सिखाता हूँ? इस राष्ट्र में अध्यापक नहीं है, इस राष्ट्र में जोक है। जिस तरह से अंगूठा मांगा गया था इस राष्ट्र का, सब कुछ छीन लिया जा रहा है। नौकरी कितनी लोग आपको मालूम है? आप जो वांट भरने आए कितनी नौकरी है इनके पास? अरे नौकरी कहाँ है इनके पास? 70 बच्चों पे एक नौकरी है ना? नौकरी है नहीं, साले वांट भरवाते हैं, इतना दूर भेज देते हैं, 800-800 किलोमीटर 900-900 किलोमीटर भगा रहे हैं, ट्रेनों में धक्का खा रहे हैं। इस देश के पास किसी समस्या का समाधान हो तो बताइए। कोई समस्या का समाधान? इस देश के पास 70 सालों में पोलियो के अलावा ये जो कौन समस्या का ऐसा बात की है बताओ? तुम्हारी बोले एक DM पर कितना पैसा खर्च होता है मालूम आपको? एक नेता पर कितना पैसा खर्च होता है मालूम होता है? और कुछ हिजड़े कहते हैं तुम गाली मत दो। अरे साले गाली मैं अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आया हूँ? किस अधिकारी गाड़ी है ये? कौन किसी गाड़ी है ये? देख रहे हैं ना, प्यार दीजिए, गाली दूंगा सबकी, कहते गाली मत दो। SP गाली देता है, DM चंद्रभूषण गाली देते हैं, बहुत से अधिकारी गाली देते हैं, कोई उसका विरोध नहीं करता है। तो मेरी गाली क्यों बुरी लग रही है भाई? मेरी गाली बुरी क्यों लग रही है भाई साहब? और ये बताइए कि गाली से इस देश का क्या बुरा हो सकता है? आई वॉन्ट टू नो योर आंसर। गाली से इस देश का क्या बुरा हो सकता है? हैं? गाली की चर्चा हो रही है, मेरे पसीने की चर्चा नहीं होती है। 3-3.5 साल में 5 बार जेल गया, इतना पसीना बहाया। और आजमगढ़ के 90% नामर्द वाले अभी भी पागल समझते हैं बच्चों। इसी तरह से भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को साथ इस देश ने नहीं दिया। मुट्ठी भर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के पिछवाड़े में घुस गए, मैं भी अपने घुसूंगा ये वादा करता हूँ। चाहे मुझे प्यार मिले या ना मिले, मैं नपुंसकों की जिंदगी नहीं जी सकता, मैं लड़ूंगा अकेले। देश के हर DM से कहना चाहता हूँ, पहले अपने गिरेबान में झांक लो। इस राष्ट्र के दुराचार, नौकरी देने वाले इंटरव्यू में पैसा लेने वाले हरामखोर हो, इंटरव्यू में पैसा लेते हैं साले, ये सब कुछ फिक्स है। आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है, सब कुछ फिक्स है। जिसके जेब में पैसा है उसी को नौकरी मिलती है, जिसके जेब में पैसा है उसी को नौकरी मिलने वाली है। आप मूर्ख बना जा रहे हैं। जिसके जेब में इंटरव्यू फिक्स है, साले फिक्स रहता है सब कुछ। एम आई राइट राम? कहां से आ रहे सर आप? मथुरा से। मथुरा के कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं बताएंगे आप? क्या कर रहे हैं कृष्ण भगवान? अल्लाह कहाँ कर रहे हैं? मंदिर मस्जिद वाले भगवान क्या कर रहे हैं? कब जगेंगे? हैं? आप जगिए, आप भगवान बनिए, आप अल्लाह बनिए। इंशाल्लाह जिस दिन आप राम, जिस दिन आप बनेंगे मेरे कृष्ण। और ये मोबाइल सुदर्शन चक्र ताकत समझिए, पावर ऑफ मोबाइल। इस राष्ट्र की मीडिया का अंत होने वाला है। कलयुग की महाभारत की शुरुआत आजमगढ़ में मैंने कर दी 3.5 साल पहले। कलयुग की महाभारत धर्मयुद्ध की शुरुआत मैंने आजमगढ़ में कर दी है। और वो देखिए जमीन जो है ये ब्रिजेश सिंह का है, ब्रिजेश सिंह। आजमगढ़ वालों प्यार दो, इनसे रंगदारी लेके दिखाऊंगा। मुन्ना बजरंगी तो मर गया, मुख्तार अंसारी बचे हुए हैं, अब ब्रिजेश सिंह माफिया बचे हुए हैं, इनसे रंगदारी लेके दिखाऊंगा। DM SP इस देश के नेताओं से हम रंगदारी लेंगे। अब गुंडई हम करेंगे, बाला साहब ठाकरे से अच्छी गुंडई हम करेंगे। आशीर्वाद दीजिए, भगवान बनिए। विजयी भगवत तो बोलिए सर इस तरह। अरे भगवान बनिए इस तरह मेरे लिए। क्या यार ऐसे भगवान, देख लो समंदर से सीखा है हमने जीले का सलीखा। समंदर से सीखा है हमने जीने का सलीखा, चुपचाप से रहना और अपनी मौज में बहना। जिसको रोकना हो रोक ले, जिसको रोकना हो रोक ले। मोदी मुलायम मायावती कांग्रेस आप साले, तुम जोंक हो साले जोंक, तुम्हारा खून हम चूसेंगे साले। गरीबी दूर करते करते इस देश की पार्टियां साली कितनी अमीर हो गई कि साले सर पे चढ़ के मूत्र हैं बहुत।
के चलो ये हमारे सर पे चढ़ के मूत्र हैं बहुत, और अब ये भगवान हक गया तुम्हारे ऊपर, ये भगवान हक गया बेटा, ये भगवान मेरा।